Module Twenty Five, Suicidal Attempt. So, when we talk about the suicidal attempt, uh, we need to be a uh, think about it in a way that how suicidal attempt is different from completed suicide. So, when we are saying that the person is doing or committing a suicidal attempt, that means that a person is trying to take his or her own life. बट ही इज इस्केप्ड फ्रॉम दैट थिंग बट इनकम्प्लीटेड सुसाइड द पर पर्सन ट्राई टू टेक हिज और हर लाइफ एंड ही वॉज सक्सेसफुल सो जो सुसाइडल अटैम्प्टै उसे आम तौर पर लोग कन्फ्यूज़ करते हैं कम्पलीटेड uh, सुसाइड के साथ तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं इनको आपने डिफरेंटली अंडरस्टैंड करना है अब सुसाइडल अटैम्प्ट में क्या होगा कि एक शख्स एक चीज़ को पूरा प्लान आउट करेगा और उसको अटैम्प्ट करेगा यानी सुसाइडल आइडिएशन में क्या होता है कि एक शख्स सिर्फ सोचता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी पसंद नहीं है मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता हूँ उसके लिए सर्टन टाइम वो प्लान आउट भी करता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को मिसाल के तौर पर आई कैन हैंग माय सेल्फ़ आई कैन शूट माय सेल्फ़ आई कैन जंप फ्रॉम द हाई बिल्डिंग बट सुसाइडल अटैम्प्ट के अंदर वो इन सब चीज़ों को करेगा ही और शी इज़ ट्राइंग टू डू दीज थिंग्स और उसके अटैम्प्ट के नतीजे में वो अटैम्प्ट फेल हो सकती है और जब वो अटैम्प्ट फेल हो सकती है तो दैट्स मीन कि वो बचा बच्चा जो है या वो जो आ, बच्ची है वो बच गए हैं ठीक है थीके? तो आपने आम तौर पर अखबारों के अंदर ये पढ़ा होगा बहुत कॉमन है कि जब मैट्रिक के रिज़ल्ट आते हैं या एफ एस सी के रिज़ल्ट आते हैं तो डिफरेंट बच्चों ने डिफरेंट किस्म की पॉइजनस गोलियाँ खाकर ख़ुद को मारने की कोशिश की ठीक है और अ रिज़ल्ट वो बच जाते हैं ठीक है तो मीन कि ये उन्होंने एक सुसाइडल अटैम्प्ट की थी ठीक है लेकिन किसी ने अपने आप को शूट कर लिया तो मीन के सुसाइड जो है वो कम्प्लीट हो गई ठीक है अब इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं कि लोग इस तरह क्यों करते हैं या वाई दिस थिंग इज़ हैपनिंग इन द एडोलसन्स और ये अगर आप डब्ल्यू एच ओ की वेबसाइट देखें तो फिफ्टीन से लेकर ट्वेंटी नाइन ईयर की एज जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा सुसाइड अटैम्प्ट जो हैं वो रिपोर्ट हुई हुई हैं तो इनके रिस्क फैक्टर क्या हैं इसमें डेफिनेटली साइकोपैथोलॉजी इज़ अ मेन कंट्रीब्यूटर जिसके अंदर मूड डिसऑर्डर्स आते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर्स आते हैं सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर आता है ये बहुत से रिस्क फैक्टर्स में से चांदिक रिस्क फैक्टर्स ये हो सकते हैं मूड डिसऑर्डर में जिस तरह हम बात करते हैं कि जो डिप्रेशन है अनहैप्पीनेस है फटीक है होपलेसनेस है एक बहुत बड़ा कॉज है आपके सुसाइड अटैम्प्ट करने के लिए वेन यू फील दैट देर इज़ नथिंग इन द लाइफ तो आ, कोई भी इंसान जो है या कोई भी अडोलसन जो है आ, वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है इसी तरह बायपोलर डिसऑर्डर में जैसे ही मूड स्विंग आता है और एक हलूसिनेशनस uh, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कमांड्स ऐसी आ रही हैं कि यू शुड टेक योर लाइफ या आपका बिलीव सिस्टम कोई ऐसा बन गया है डोल्यूशनल स्टेट के अंदर कि आई शुड फिनिश माई सेल्फ तो उस स्टेट के अंदर भी जब मैनिक फेस के अंदर आ, एक शख्स होता है तो वो उस वक्त भी सुसाइड अटैम्प्ट कर सकता है ठीक है कि उसके अंदर एनर्जी लेवल इतनी ज़्यादा आ गई होती है कि वो छत के ऊपर जाता है और वहाँ से अपने आप को एंजल समझ के वो जम्प कर ले और जम्प करने के बाद इन रिज़ल्ट वो सुइसाइड कमेट कर लें तो इट कैन बी हैपन इसी तरह जो कंडक्ट डिसऑर्डर है जिसके अंदर बहुत सी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं डिफरेंट किस्म की एक्जबिट होती हैं तो उस दौरान भी uh, बच्चे जो हैं वो इस तरह सोच सकते हैं या डॉल्सन इस तरह सोच सकते हैं कि ख़ास तौर पे जिस वक्त उनको पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है कि वी शुड टेक ओवर लाइफ एंड वी शुड फिनिश एड ऑफ तो उस कंडक्ट प्रॉब्लम्स की वजह से चूँकि दे फील दम प्रेशर के पेरेंट्स भी प्रेशर दे रहे हैं हैंडीमिया का भी प्रेशर है और बिकॉज दे आर अनएबल टू हैंडल दैट प्रेशर तो उसकी वजह से भी दे कैन टेक देयर लाइफ सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर डिफरेंट किस्म की जो ड्रग्स हैं वो एक बहुत बड़ा कॉज बनती हैं सुसाइड अटैम्प्ट में जिसमें अल्कोहल जो है वो एक बहुत बड़ा रिस्कैक्टर है डेफिनेटली जब अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता तो उस इन्फ्लुएंस के अंदर एक शख्स जो है वो सुसाइड अटैम्प्ट कर सकता है और वो सुसाइड कंप्लीट भी हो सकती है और वो सिर्फ़ एक अटैम्प्ट भी रह सकती है तो दीज आर ऑल द पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से कोई एक शख्स जो है वो सुसाइड कर सकता है